हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी ESIC मेंबर्स के लिए। तो अगर आप ESIC मेंबर हैं, आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरी देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ESIC में जो आपका आधार लिंकिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में। एक जो अपडेट आया है, काफी बड़ा अपडेट है क्योंकि काफी लोगों को इससे प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस पे ESIC ने अपना एक अपडेट शेयर किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 29/7/2024 को, जिसका सब्जेक्ट है UIDAI गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द आधार कार्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ESIC में अपना आधार लिंक नहीं करना है, आपको अपना आधार लिंक करना है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ केसेस में जब आपका आधार में डेट ऑफ बर्थ अलग रहता है और ESIC में अलग रहता है, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पहले एम्प्लॉयर के पास जाती है और फिर ESIC के पास जाती है, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो रिक्वेस्ट लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग रहती थी और जो अप्रूवल है वो नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी क्या है, अगर आप अपना आधार लिंक करेंगे ESIC में तो वहां पे जो आपका डाटा मैच होगा आधार और ESIC का, उसमें डेट ऑफ बर्थ को मैच नहीं किया जाएगा। यानी कि सिर्फ आपका नाम देखा जाएगा आधार में क्या है और ESIC में क्या है, आपका जेंडर क्या है ESIC में क्या है, आधार में क्या है, दैट्स इट। उसमें डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं आपको नीचे दिखा देता हूं जिसमें लिखा हुआ है रेफरेंस इज मेड टू दिस ऑफिस लेटर नंबर इतना डेटेड 14/3/2024 ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अबव थ्रू व्हिच इट वाज कन्वेड दैट ड्यू टू रिसेंट डायरेक्टिव फ्रॉम UIDA आधार वुड नो लॉन्गर बी एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ IP एंड देयर डिपेंडेंट्स। यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ का हम प्रूफ लगाते हैं, वहां पे हमें आधार पहले अपलोड कर देते थे तो डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाता था, लेकिन अभी डेट ऑफ बर्थ डेट नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंटली द इंस्ट्रक्शन डेटेड 24/7/2023 वाज विड्रॉन, जो जिस इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया था, जिस नोटिफिकेशन में यह बताया गया था 24/7/2023 में, उसको विड्रॉन कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। और अब क्या रहेगा, इट इज इन्फॉर्म दैट ICT डिवीजन हेडक्वार्टर हैज इंप्लीमेंटेड प्रोविजन टू एक्सक्लूड डेट ऑफ बर्थ कंपैरिजन इन डेमोग्राफिक डिटेल्स ड्यूरिंग द आधार सीडिंग प्रोसेस फॉर बेनिफिशियरीज एंड द सेम हैज बीन डिप्लॉयड इन द एप्लीकेशन इफेक्टिव फ्रॉम 23/7/2024 से ये एप्लीकेबल हो गया है। इस पैराग्राफ में बताया गया है, ऊपर बताया गया है कि आधार को एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरे में जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डिटेल आधार में अलग है, ESIC में अलग है, डेट ऑफ बर्थ में अगर डिफरेंट है, तो पहले ये रिक्वेस्ट आपका ESIC के पास जाता था, एम्प्लॉयर के पास जाता था। लेकिन अब इस केस में क्या रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ को ये मैच ही नहीं करेगा। यानी कि डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो आपका आधार में, कुछ भी हो ESIC में, वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, यानी कि करेक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको ESIC में डालना है, लेकिन उसको आधार से अब वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जहां हम आधार सीडिंग करते थे वहां पे आपने देखा होगा कि आधार के साथ आपकी डिटेल मैच होने के बाद ही आपका आधार सीड होता था, लेकिन उसमें अब डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफी बड़ा अपडेट है क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि ESIC में डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, आधार में अलग होता है, आधार में हम बाद में भी चेंज करवा लेते हैं, कई बार चेंजेस करवाते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके आधार की डेट ऑफ बर्थ और ESIC की डेट ऑफ बर्थ को अब कंपेयर नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको अपडेट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।